साथियों नमस्कार। आज हम आर्या नेचुरल फार्म पर खड़े हैं और ये मूंग की फसल है। आप देखिए कि कैसे बंफर उत्पादन मूंग का आता है। इसमें कुछ ऐसी टेक्निक हमने खोज निकाली है, कोई वायरस एक भी नहीं देखने को मिलेगा। देखिए कहीं एक भी प्लांट इसमें वायरस का नहीं, कोई रोग ही इसमें बिल्कुल नहीं है। और फ्लावरिंग, ये फलियाँ देखिए लबालब पड़ी हैं। ये देखिए मूंग ही मूंग जहां आपको दिखाई देगी, और ये पकनी शुरू हो चुकी है। पूरा खेत ऐसी मूंग हमने पहली बार ही देखी है। ये देखिए मूंग का फलन देखिए, और ये एक हफ्ते में थोड़ा इसकी चालू हो जाएगी। लगभग 20% जो मूंग है वो पक चुकी है, और आप देखेंगे नज़दीक से कि इस पे मूंग का इतना अच्छा उत्पादन मिलने वाला है, जो हमें एक चमत्कार ही दिखाई देगा। क्योंकि ये कृष्ण है सुभाष पालेकर कृषि का। अब देखिए ये मूंग अद्भुत, और जो हम बताना चाहते थे कि इसमें वायरस क्यों नहीं आया, क्योंकि अक्सर मूंग में दालों में वायरस आ जाता है, और इसमें एक भी प्लांट आपको पूरे खेत में नहीं दिखाई देगा। और आपको मैं बता देता हूँ, ये शुद्ध रूप से नेचर पर डिपेंड है। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, या बुआई की है या कटाई करेंगे। एक बार इसमें जीवामृत दिया है, और एक बार इसमें वीड मैनेजमेंट किया था जिसमें हमने पावर वीडर चलाया था और बैलों के साथ मिट्टी चढ़ाई थी। उसके बाद इस पर कोई किसी प्रकार का कोई स्प्रे हमने नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल बातों का ध्यान रखा गया है जिससे प्लांट पर कोई वायरस का अटैक ना हो। ये हमारी खुद की खोज है। इसमें हमें करते करते कुछ चीज़ें सीख जाता है किसान। ये देखिए अद्भुत प्रोडक्शन होगा। और ये छोटी मूंग है, हेल्दी है और खाने में बहुत स्वादिष्ट, क्योंकि ये देसी किस्म है, कोई उन्नत से लिए बीज नहीं है, और कोई वायरस ना होना ये अपने आप में एक अद्भुत काम है। तो साथियों इसी के साथ आज हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर बात करेंगे। लेकिन इसमें जो तकनीक हैं वो हम फिर चर्चा करेंगे कि किन तकनीकों का सहारा दिया गया जिसमें इसमें वायरस नहीं आया है। धन्यवाद।